हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मैथ्स एजुकेटर विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वेक्टर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डीआई की एक सीरीज चला रहा हूं, डेली में एक डीआई लेकर आता हूं और उस अंदाज में लेकर आता हूं जिस अंदाज में आपको पेपर में सॉल्व करना है। और आज मैं एक बहुत ही सुंदर डीआई लेकर आया हूं जिसको कि आप मेरे पीछे और अपने सामने देख पा रहे होंगे, और वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हम कुछ इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम परसेंटेज के बेस पे उसको पढ़ें और विदाउट पेन के बहुत कम कैलकुलेशन के साथ उसे सॉल्व कर पाएं, जिसे हम बोलते हैं हिट इन ट्रायल मेथड, और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड कैलकुलेशन करके। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कभी भी डीआई या कैसलेट सॉल्व करना हो तो उसके डेटा को एक बार बहुत अच्छे से रीड करिए, क्योंकि अगर डेटा को अगर आप रीड नहीं करोगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप हो सकता है कि आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई हो और आप क्वेश्चन पहले ही शुरू कर दें और दिक्कत हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए बी सी डी एंड ई आर पर्संस एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ जॉब एक्स, वार ग्राफ शो द डाटा रिगार्डिंग, यानी कि लाइन ग्राफ जो लिखा हुआ है इसको वार ग्राफ कर लीजिएगा, ये है वार ग्राफ। वार ग्राफ शो द डाटा रिगार्डिंग द टाइम टेकन बाई दीज पर्संस टू कंप्लीट द जॉब एक्स, टेबल ग्राफ शो द एक्चुअल टाइम टू विच एवरी वन ऑफ हिम वर्क ऑन द जॉब एक्स। ठीक है, बात समझ में आई आपको। यानी कि आपके सामने जो वार ग्राफ दिया गया है जिसमें ए बी सी डी और ई ये जो फाइव पर्सन हैं, ये पांच लोग काम करते हैं और एक जॉब एक्स पर वर्क करते हैं, जिसको करने में इंडिविजुअली इसको 10 दिन लगते हैं, इसको 12 दिन लगते हैं, इसको 15 दिन लगते हैं, इसको 18 दिन लगते हैं, इसको 20 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि ए 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है, 18 दिन में, 20 दिन में, इस तरीके से इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है नोट वन। नोट वन में लिखा हुआ है ऑल द पर्सन वर्कड ऑन द जॉब एक्स फॉर होल नंबर ऑफ डेज, यानी कि सारे दिन के लिए काम करते हैं, कोई भी बीच में छुट्टी उट्टी पे नहीं जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नोट टू में जो बात कही गई है वो लिखा हुआ है टू जॉब्स बाई एंड जेड आर सिमिलर टू जॉब एक्स, यानी कि जिस तरीके से एक्स काम है उसी तरीके से बाई और जेड की भी बात हो रही है, यानी कि जिस तरीके से आप एक्स पे काम करोगे वैसे ही बाई पे करोगे, उसी तरीके से जेड पे करोगे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके दिमाग को पजल्ड करने के लिए बाई और जेड यहाँ पर डाला गया है, वरना आप बाई लिखा हुआ एक्स समझ के चलेंगे, जेड लिखा हुआ वहाँ भी एक्स समझ के चलेंगे, क्योंकि आगे सीधी सीधी बात लिखी हुई है रिक्वायर्ड सेम एफर्ट एज रिक्वायर्ड बाई जॉब एक्स। जो एक्स पे आप एफर्ट लगा रहे हो वही एफर्ट आपका कहाँ लगने वाला है, वही एफर्ट आपका बाई और जेड पे लगने वाला है। ठीक है, अब जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि कभी भी आपको कोई भी डीआई सॉल्व करनी हो या कैसलेट सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले आपके सामने जो डेटा लिखा हुआ है उसे आप नंबर के फॉर्म में बाहर निकाल लीजिए और आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वार ग्राफ, और वार ग्राफ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें पांच लोग हैं, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर दिया गया है हमको इनका टाइम। तो सबसे पहले हम टाइम की अगर हम बात करें तो ए को टाइम लगता है 10 दिन, बी को लगता है 12 दिन, सी को लगता है 15 दिन, और डी को लगता है 18 दिन, और सी को लगता है 20। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, वरना आप वहाँ पर इसको नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट इनकी एफिशिएंसी को लिखोगे। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिसे मैं परसेंटेज के फॉर्म में बना लूँगा। कैसे, जैसे मैं कहूं कि एक आपके पास टोटल होल वर्क है, ठीक है, एक होल वर्क है आपके पास, और उसे एक कंप्लीट कर देता है 10 डेज में। कितने दिन में कर देता है, 10 डेज में। ठीक है, तो एक बात बताओ, पूरे काम को अगर ए 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे सर 1/10 डेज, 1/10 वर्क कंप्लीट करेगा। 1/10 वर्क कंप्लीट करेगा, क्या इसे हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 10% वर्क कंप्लीट करेगा? बोल सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो यानी कि एक बात यहाँ पर समझ में आ गई कि आप 10% वर्क कंप्लीट कर सकते हो ए के द्वारा एक दिन में। तो इसकी एक दिन का ही काम तो एफिशिएंसी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे परसेंटेज के फॉर्म में, 10%, यानी कि एक दिन में ये 10% काम कर रहा है। इसी तरीके से हम बी की बात करें तो ये 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 1/12 करेगा, और 1/12 कितना होता है, अगर आपने परसेंटेज की समझ होगी, परसेंटेज का मेरा बेसिक वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे सबसे पहले देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले उसी को पढ़ाया है, क्योंकि डीआई हो या कुछ भी हो, जब तक आपको परसेंटेज नहीं पता होगा तब तक आप परेशानी में ही रहोगे।
तो 1/12 होता है 8/1/3% या 8.33%। तो ये एक दिन का काम कितना करेगा, 8/1/3%। कोई समस्या इतने में आपको, ठीक है। इसके बाद आता है सी, सी 15 दिन में काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में 1/15 यानी कि कितना हो जाएगा 6/2/3%। ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। 1/18 होता है 5/5/9% और 1/20 कितना होता है 5%। यानी कि आपने एक दिन का काम निकाल लिया, यानी कि एफिशिएंसी आपने यहां पर निकाल ली परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आ गई। कुछ लोगों को एक नया तरीका समझ में आ रहा होगा तो समझने की कोशिश करना बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। एक तो एलसीएम वाला मेथड होता ही है, हम उस मेथड पे भी जा सकते थे लेकिन उससे ये अच्छा मेथड है, ठीक है। तो आपने ये चीज निकाल ली कि टाइम और एफिशिएंसी आपने यहां से पता कर लिया। अब हम चलते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि ए तो 2 दिन काम करता ही है, सी 3 दिन काम करता है और ई 2 दिन काम करता है, ठीक है, और बी और डी के काम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ए सी एंड ई, ए सी एंड ई वर्क ऑन जॉब जेड फॉर 2 डेज। यानी कि ए है, सी है और ई है, तीनों 2 दिन तक काम करते हैं। तो ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, जैसा कि अभी आपने यहां पर देखा 10%, और सी की एफिशिएंसी 6/2/3% है और डी की एफिशिएंसी 5/5/9% है, ठीक है। यानी कि ए की एफिशिएंसी है 10% और यहां पर ये 10% के हिसाब से 2 दिन काम करेगा। और इसके बाद हम पीछे से फिर से आपको दिखाएं तो यहां पर देखेंगे हम सी की एफिशिएंसी कितनी है 6/2/3% यहां लिखेंगे। अब ये माइंड कैलकुलेशन हो सकती थी लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं ई की, तो ई की थी 5%, तो 5% से हो गया यहां पर 5% ये। यानी कि एक बात हमको समझ में आ गई कि जब ये तीनों लोग काम करते हैं तो एफिशिएंसी इनकी काम करने की हो जाती है 10 और 5 15 और 6 21, 21/2/3% कितनी हो जाती है 21/2/3%। और ये 2 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम कितने परसेंट कर देते हैं, टोटल काम ये कर देते हैं 43/1/3%। कोई समस्या इतने में, ये माइंड कैलकुलेशन में हो जाएगा कि ये टोटल काम 43/1/3% कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है द रिमेनिंग जॉब वॉज डन बाई बी एंड डी इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर बीच वी एंड डी वर्क इन द रेशियो 2:1। बी और डी 2:1 के रेशियो में काम करते हैं और जो कि बचा हुआ काम खत्म कर देते हैं, तो ये बताना है हमको कि वी कितने दिन काम करता है। एक बात बताओ 43/1/3% काम हो गया तो काम बचा कितना, तो काम रिमेनिंग जो वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क जो बचा वो आपके पास बचा 56/2/3%। इतना बचा कि नहीं, 56/2/3% काम आपके पास बचा। अब एक बात सोचो कि यहां पर बी और डी का जो रेशियो दिया गया है वो 20:20 दिया गया है, अगर ये 20:20 ही रेशियो होता तो 1:1 हो जाता कि नहीं, यानी कि जितने दिन बी काम करता उतने ही दिन डी काम करता। यानी कि अगर हम इसे 1:1 ही मानकर चलें तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं और हम देखते हैं कि अगर बी 5 दिन काम करता और डी भी 5 दिन काम करता, बी 5 दिन काम करता डी भी 5 दिन काम करता, तो क्या इतना काम कंप्लीट हो रहा है या इससे ऊपर जा रहा है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, बी की एफिशिएंसी है, आपको दिखाते हैं, बी की एफिशिएंसी है 8/1/3% और डी की एफिशिएंसी है 5/5/9%। तो इसको लिख लेते हैं 8/1/3% और 5/5/9%। बात समझ में आई। अब ये दोनों लोग अगर 5 दिन 5 दिन काम करते हैं तो एक देखो 8 और 5 40% यहाँ से हो गया और 5 और 5 25% यहाँ से हो गया, 40 और 25 कितना होता है 65%। यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब 5.5 भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं 4 के पास। तो जैसे हम 4 के पास चलते हैं अगर हम, तो देखते हैं कि अगर 8 के हिसाब से 4 दिन में ये कितना कर देगा, 8 और 4 32 32, यानी कि 33.33%। क्लियर हुई बात आपको, यानी कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एक दिन में 8/1/3 करता है तो 4 दिन में कितना कर देगा, 33.33% कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाएगा हमारा, ये 4 और 5 20 बन जाएगा और 20 और 22 22/9%। बात समझ में आ गई। इसको अगर मैं सम करने के लिए बैठूं तो लगभग मैं कहां पहुंचूंगा, 3 2 5 3 2 5, यानी कि हम पहुंचेंगे 55% पे और हमको यही वैल्यू लगभग चाहिए 56 के आसपास। अब ये कम कैसे रह गई,
क्योंकि ये जो डी वाला है ना, ये इससे 0.05 ज्यादा काम कर रहा है, तो इतना ही स्लाइटली डिफरेंस आएगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि इसका आंसर होगा कितना, 4, क्योंकि 2 पे तो बहुत कम रह जाएगा, और 4.5 पे भी आप देखोगे तो आधे दिन भी अगर आपने काम करवा दिया, और 8/3 से आधे दिन भी काम करवा दिया, तो 4 एक्स्ट्रा काम हो गया, और 4 एक्स्ट्रा काम होने का मतलब, और इधर से 2.5 एक्स्ट्रा काम, तो कितना हो गया, 4 और 2 6, और 6 एक्स्ट्रा काम होते ही ये 55 कहां पहुंच जाएगा, 61 के पास, जो कि आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा, 4। क्लियर हुई बात आपको, तरीका समझ में आया? और इतनी जो भी मैंने यहां पर आपके सामने जो लिखा हुआ है, जितना भी डेटा, ये किसी काम का नहीं, सारी माइंड कैलकुलेशन हो जाती, पक्का है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है ई वर्क ऑन जॉब जेड फॉर 5 डेज। अब जेड हो, एक्स हो, वाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे सेम जॉब हैं। और ई की एफिशिएंसी कितनी है, 5%। देखो ई की एफिशिएंसी कितनी है, 5%, समझ में आ रही बात आपको, ये 5% एफिशिएंसी है ई की। तो ये बताओ कि 5% के हिसाब से 5 दिन में 25% काम हो गया कंप्लीट। अरे हाँ या ना, बात समझ में आई, यानी कि जेड में, जेड काम को ई ने 25% कंप्लीट कर दिया। अब बात आती है रिमेनिंग जॉब बाच कंप्लीट बाई ए बी एंड डी। अब बचा हुआ काम कौन कंप्लीट कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, और डी कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद भी, और ये अल्टरनेट काम करते हैं भाई, ये एक अल्टरनेट काम करते हैं। अब बात ये आती है कि जब ये अल्टरनेट काम करते हैं तो हर तीसरे दिन के बाद एक का नंबर आता होगा, तो एक साइकिल में 3 दिन बनते हैं, और ए की जो एफिशिएंसी है काम करने की वो है 10%, और बी की एफिशिएंसी है जो काम करने की वो है 62/3%, नहीं 8/3%, देख लेते हैं कितनी है, 8/3%, इसकी 8/3% है, ठीक है, 8/3%। और इसी तरीके से जो डी की जो एफिशिएंसी है काम करने की, और डी की एफिशिएंसी कितनी है, 5/9%, डी की एफिशिएंसी है 5/9%, कितनी बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। हमको काम करना है रिमेनिंग जो वर्क हमारे पास बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 75%, और काम करने वाले हैं ए बी डी, और अल्टरनेट काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना काम कंप्लीट होता है 3 दिन में, कितने दिन में कंप्लीट होता है, 3 डेज में। तो एक बात समझो यहां से कि काम हो कितना गया, हम अप्रोक्स लेकर चलेंगे, 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 की अगर हम बात करें तो 23, तो लगभग हमारे 24 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, यानी कि लगभग 24% के समथिंग काम हो रहा है, यानी कि 10 और 8 18, 18 और 5 कितना हो गया, लगभग 23, तो 24% के लगभग काम हो रहा है। तो एक बात बताओ, 24% अगर एक साइकिल में हो रहा है, तो 75% तक पहुंचने के लिए आपको कितनी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी, 3 साइकिल आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, और एक साइकिल में 3 दिन लगते हैं, तो बात यहां पर आती है कितने दिन लग जाएंगे आपको, 9 डेज लग जाएंगे, कितनी देर लग जाएंगे, 9 दिन लग जाएंगे आपको। अब आप सोच रहे होगे सर कि 9 दिन लग जाएंगे, इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता था। एक बात सोचो आप कि 24 का जैसे ही 3 बार करोगे तो आप कहां पहुंचोगे, 72% पे। अब आप जो 3% का जो बच रहा है, 3% को कौन पूरा कर रहा होगा, ये ए कर रहा होगा वापसी में, क्योंकि बी के पास तो आप ए के बाद पहुंचोगे ना, तो जो भी बचा हुआ काम ए कर देगा, क्योंकि ए एक दिन में 10% करता है और 3% 10 के नीचे ही है। तो आंसर कितना हो गया, 9 डेज, यानी कि 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, इसका आंसर कितना होगा, 9 डेज। तो इसमें यह पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी वर्क फॉर, सॉरी इसमें काम बी का पूछा गया है। तो एक बात बताओ कि एक चक्कर में इसने एक दिन काम किया होगा बी ने, दूसरे चक्कर में फिर से एक दिन काम किया होगा, तीसरे चक्कर में फिर से एक दिन काम किया होगा, तो सॉरी इसका आंसर 9 नहीं होगा, इसमें बी का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन, यानी कि बी ने इसमें कितना काम किया होगा, 3 दिन काम किया होगा। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा आपको, यह कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा होगा जल्दी कहीं पर, ठीक है। आप लोग पढ़ते आए होंगे एलसीएम वाले मेथड से, एलसीएम वाले मेथड में समय लगता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ये परसेंटेज बेस होता है, तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर के। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए, ए एंड सी वर्क ऑन जॉब बाई, ए और सी वर्क जॉब पर बाई वर्क सॉरी ए एंड सी वर्क ऑन जॉब बाई, यानी कि बाई जॉब पर काम करते हैं और 10 दिन तक करते हैं और अल्टरनेट करते हैं, तो ए ने 5 दिन किया होगा, सी ने 5 दिन किया होगा। अरे ए की एफिशिएंसी 10% है, 5 दिन में कितना कर देंगे, 50%, कोई समस्या, ए ने 50% कर दिया। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 62/3%, 5 दिन में कितना कर देगा, 62/3% से अगर मैं 62/3% में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 और 5 30 और 5 और 2 10,
यानी कि ये आ जाएगा 33.33%, यानी कि टोटल 83.33% काम कंप्लीट हो गया, हो गया कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बोला गया है कि बाकी बचा हुआ काम बी और डी करते हैं, लेकिन इनके करने के बाद भी 1/36 काम बच जाता है, तो ये भी काम बच जाता है, यानी कि इसको भी बी और डी नहीं करते हैं, तो ये कितना काम हुआ, 1/36। तो 1/36 को अगर हम परसेंटेज में निकालने के लिए जाएंगे तो एक बात समझो कि 1/36 हमारा कितना होता है, इसको हम करेंगे तो कितने से हम कर सकते हैं, इसको कैसे भी 6 और 6 कर सकते हैं, 6 और 4 कर 9 और 4 कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9 × 4, और 1/4 होता है 25% डिवाइडेड बाई 4 होता है, और 25/9 कितना हो जाएगा भाई, 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 और 2 18 7/9%। यानी कि एक बात और समझ में आ गई, 7 यानी कि 2 7/9% काम और नहीं करेंगे बी और डी। तो टोटल काम बी और डी के लिए बचा कितना, वो बचा हमारे पास 85-86 यानी कि लगभग 14% के समथिंग, लगभग 14% के समथिंग काम बचा बी और डी के पास। अब एक चीज देख लेते हैं यहां पर कि बी और डी इस काम को कर कितने दिन में कंप्लीट देंगे, तो बी ओ डी की एफिशिएंसी देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि 14% को करने में इनको कितने दिन लगेंगे। तो देखते हैं बी ओ डी की एफिशिएंसी है क्या, तो बी ओ डी की एफिशिएंसी के पास चलते हैं, तो बी की है 8/1/3% और डी की है 5/5/9%, तो 8 और 5 13, लगभग 14% के समथिंग। तो एक बात तो यहां पर साफ समझ में आ गई कि ये तो अगर काम करेंगे तो एक दिन में ही काम को खत्म कर देंगे भाई, ये तो अगर काम करेंगे तो एक दिन में ही काम को खत्म कर देंगे, तो आंसर आ गया 1 डे। क्लियर हुई बात आपको, समझ में आई, तो ये एक दिन में ही काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कितना काम बचा था, लगभग 14%, और दोनों लोग मिलकर करते ही 14% के समथिंग है, तो 14% एक दिन में खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर 1.25 क्यों नहीं ले सकते, भाई 1.25 के पास जाओगे तो 14 का 1/4 करोगे तो लगभग हमारा 3 काम और आ जाएगा, वो कहां से लेकर आओगे, अंतर तो आपको पॉइंट में आ रहा है ना, जो कि आप अगर इसको 7/9 को अगर सही से सॉल्व करने बैठोगे तो आपका फुलकुल फिल हो जाएगा, 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है सी वर्क ऑन जॉब बाई विथ 5/4 times इज गिवन एफिशिएंसी, यानी कि सी की एफिशिएंसी है कितनी, सी की एफिशिएंसी है 6/2/3%। अब 6/2/3% एक दिन में 6/2/3% काम होता है, तो 20/3% काम होता है, लेकिन ये चाहता है 5/4 के हिसाब से काम हो, तो 4 और 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 25/3%। अब काम होगा एक दिन में 25/3% किसके द्वारा, सी के द्वारा, इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है तो मैंने उसी तरीके से इसे कर लिया। क्लियर हुई इतनी बात, अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने कहा है कि वॉज असिस्ट बाई वी एवरी थर्ड डे, और वी उसे प्रत्येक तीसरे दिन उसकी मदद करता है, प्रत्येक तीसरे दिन मदद करता है, यानी कि एक बात समझ में आ गई कि ये लोग ना जो सी भाई साहब हैं ये 3 दिन तो काम करते ही करते हैं, तीसरे दिन इनके साथ आके काम करने लगता है बी, तो ये 25/3 के हिसाब से 25 काम तो कर ही देते हैं। क्लियर हुई बात, यानी कि 25% काम कर ही देते हैं, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 8/1/3, तो 8/1/3 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के एक साइकिल में 3 दिन में काम कंप्लीट कितना हो जाता है, तो काम कंप्लीट हो जाता है 25% + 8/1/3%, यानी कि 25 में 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43/1/3%। कोई समस्या आपको इतने में, सॉरी 33 कितना आ गया, 33/1/3%, यानी कि 3 दिन में 33/1/3% काम हो गया, तो पूरा 100% काम करने के लिए कितना, 3 × 3 × 3, यानी कि 9 डेज में पूरा 30 यानी कि 100% काम करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, आपको लगेगा 9 डेज। तो इसमें ऑप्शन 9 डेज दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्क ऑन जॉब एक्स इज 4/3, यानी कि जो बी और डी हैं, यानी कि बी और डी ये जो काम करते हैं ये 4:3 के रेशियो में काम करते हैं, 4:3 के रेशियो में, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्क। तो हमको ये बताना है कि बी और डी जो काम करते हैं उसका नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस कितना आ रहा होगा। तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, बी की एफिशिएंसी है 8/1/3%, कोई समस्या आपको नहीं ना,
और डी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, और डी की एफिशिएंसी है यहाँ पर कितनी देख लेते हैं एक बार, डी की एफिशिएंसी कितनी है, डी की एफिशिएंसी है यहाँ पर 5.5/9%, डी की एफिशिएंसी है 5.5/9%। तो देखिए डी की एफिशिएंसी है 5.5/9%, क्लियर है बात आपको। अब एक चीज देखो, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्क ऑन जॉब एक्स इज 4:3, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्क। एक बात बताओ, लेकिन वो हमको जो टेबल दी गई है उस टेबल का भी तो यूज है, उस टेबल का ये यूज है कि उसमें ए सी और ई, ए काम कर रहा है कितने दिन, 2 दिन, सी काम कर रहा है कितने दिन, 3 दिन, और ई काम कर रहा है कितने दिन, 2 दिन। एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी 10% है तो कितना परसेंट काम खत्म कर देगा, 20%। अरे ये बताओ कि इसकी एफिशिएंसी है 8/1/3%, यानी कि 8 × 3 = 24, 25, 25/3, यानी कि ये कितना खत्म कर देगा, 25%। अरे कोई समस्या इतने में आपको नहीं होनी चाहिए ना। अब यहां से हम आते हैं कि ई की एफिशिएंसी है 2, तो ये कितना काम खत्म कर देगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितने का, सॉरी इसका 6 × 2/3 होगा, इसका 6 × 2/3, सी की दी गई है 6 × 2/3, तो ये 20 बनेगा, तो यहाँ 20% आ जाएगा, और ये 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 10%। आई बात समझ में, ठीक है, यानी कि टोटल काम हो गया 50% खत्म इनके द्वारा, तो बचा हुआ 50% काम कौन कर रहा होगा, बी और डी, और जो कितने दिन में खत्म कर रहे होंगे, 4:3 के रेशियो में। तो सबसे पहला ऑप्शन उठा लेते हैं 2, अगर हम 2 दिन मान के चलते हैं तो इसका मतलब बी 8 दिन काम करता होगा, तो 8 दिन काम अगर बी को कराओगे तो 1 दिन में तो 8/1/3% कर रहा है, तो 8 दिन में 8 × 8 = 64, ये तो हो ही नहीं सकता, खत्म, यानी कि 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। अब एक पे देख लेते हैं, क्या एक है कि नन ऑफ दिस तो नहीं है कहीं, तो एक पे चलते हैं कि अगर ये 4 दिन काम करेगा बी, तो 8 × 8/1/3% से कितना काम कंप्लीट कर देगा, 8 × 4 = 32, 33/1/3% कर देगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करो 8/1/3 में 4 का, और 5.5/9 से 3 कितना काम कर देगा, 15, 16, और यहां पर कितना आ जाएगा, 5, 3, 15, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहां पर, 6, ठीक है, 5/9%। क्लियर हुई इतनी बात आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 6 आएगा यहां, 6 × 9%, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो 33% और 16% अगर हम करेंगे तो कितना आ गया, 49%, और 1/3 और 6/9 कितना आ जाएगा, 1%, कंप्लीट हो गया काम हमारा कितना, 50%। तो एक बात समझ में आ गई, आंसर कितना है इसका, 1। उम्मीद करता हूंगा इसमें आपने इंजॉय किया होगा, इस डीआई को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और ये बहुत बढ़िया डीआई था, और इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, और अगर इसी अप्रोच को लेकर चलोगे तो शायद आपको पेन चलाने की भी जरूरत ना पड़े। ये सब कुछ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए पेन चलाया है, क्या आपको 8/1/3% को 4 से गुणा करने के लिए पेन चलाना होता, नहीं ना। क्या 8 × 33/1/3% 16 सही 2/3% को जोड़ने के लिए 50% करने के लिए पेन चलाना होता, नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हुए पेपर में इसी मेथड को यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और मैं आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूंगा। हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा इसमें, और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है एग्जाम के अंदर। यही तरीका आप अपनाएंगे, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेन भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट पेन आप डीआई को भी हल कर सकते हो, ये मेरा चैलेंज होगा आपसे, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है एग्जामिनर कुछ भी आपको पूछ ले, एग्जामिनर वही चीज़ें पूछता है जिनको आप अगर अच्छे तरीके से सोचोगे तो हल कर पाओगे, ठीक है। और आज नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं आपको, आज के दिन आप लोग नए साल में कुछ नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें, और उम्मीद करता हूं कि 2020 में आप लोगों के पास एक सरकारी नौकरी होगी, और जिसमें मैं और मेरी टीम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी हमारे वीडियोज़, और फिर से एक बार आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।